बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बेटी से जो अपनी सीट हार जाए बाप दादा की क्या उसके औकात है भाई। चलो यूपी दूसरे नंबर पे है रेप के मामले, आप रहते कहां? सुनो सुनो, यहां पर बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि लोगों का स्किल नहीं है। अच्छा, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, तो इसमें देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है भाई। सरकारी नौकरी के सारे बैठोगे कभी कुछ नहीं करोगे लाइफ में। राहुल गांधी अभी 40 बार लेंगे जन्म भाई, तब फिर आप। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, तो इसमें देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है। 2024 में मैं तो बीजेपी को वोट नहीं देने वाला हूँ। अखिलेश यादव सबसे भ्रष्ट आदमी था, अगर वो ढंग का आदमी होता छठे साल भी आ जाता, पांचवे साल में उसको लात मार के 44 सीट पे निकाल दे। जीतने ना जीतने की बात अलग की है, पर मैं वोट कांग्रेस को ही दूंगा। इंडिया का जो गठबंधन है वो सक्सेस होने वाला है। ग्रामीण स्तर पर ये 5 किलो का ये जो अपना राशन है, अगर ये देना बंद कर दे तो इनकी सरकार वहीं पे ध्वस्त हो सकती है। इस बार सरकार पढ़े लिखों की बनेगी। जनता परेशान है ना, और जिसके पास पैसा है वो मोदी का समर्थन कर रहा है। जो टेंशन देखो राहुल गांधी को, नेता जब 13 बार हार चुके हैं, सोच लीजिए अपनी सीट हार गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज हम जनता के बीच आ चुके हैं और जानना चाहते हैं कि 2024 में क्या मोदी सरकार की वापसी होगी कि नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन जो कि विपक्ष द्वारा बनाया गया है ये सत्ता में मोदी सरकार को आने से रोक पाएगा। इस बारे में आज पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचती है। जी देखिए, रोक पाए या ना रोक पाए, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा राहुल जी की यात्रा से, उससे फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी है इसको देखते हुए फ़र्क पड़ेगा। जी, कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या यूपी में 80 सीटें हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि वो 80 के 80 जीतेगी, विपक्ष दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं, 80 के 80 नहीं जीतेंगे, ये है 50-50 का मसला होगा इस बार। सत्ता किसकी आएगी 2024 में, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या लगता है? 90% मोदी जी को ही आना चाहिए। ये वोट तो कांग्रेस को मिलेगा ही, पर ये है कांग्रेस सरकार में तो नहीं आ पाएगी। मतलब कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। अब लगातार 3री बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बनेंगे प्रधानमंत्री, इतना तय है जी। आप क्या सोचते हैं 2024 को लेकर? 24 को कांग्रेस और बीजेपी की बात अलग है, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करता, लेकिन मोदी के समय समर्थक हैं जो कहा जाए, लेकिन कांग्रेस के समर्थक यहाँ हैं नहीं, हैं लेकिन वो मोदी के जो खिलाफ हैं वही कांग्रेस के समर्थक बने बैठे हैं। कांग्रेस ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था, और यहाँ आप देख ही रहे हैं क्या अच्छा काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, तो इसमें देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और बढ़ रहा है कुछ अलग चीज़ों में, कुछ अलग जैसे टेक्नोलॉजी है हमारा, आज वो गया चंद्रयान गया है, उसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। तो लेकिन अब ऐसे ही जब अब देखिए, एक तरफ हमारा चंद्रयान जा रहा है चांद पे, और एक तरफ इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं, पॉवर्टी के नीचे 80% लोग हैं, तो कहाँ जाएगा देश? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रही है और इसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर भी रही है, ठीक है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही है। बीजेपी के नेता जो हैं वो महंगाई पर बात करना नहीं चाहते हैं, अगर वो किसी राष्ट्रीय चैनल पर अगर टमाटर का क्वेश्चन किया जाता है तो वो उन्हें हड़का देते हैं। जो भी हुआ था एक निजी चैनल के प्रोग्राम में हुआ था, और भी कई नेता हैं, अक्सर उनसे पूछा जाता है, महाराष्ट्र में एक नेता से पूछा गया। वो घमंड है, ये घमंड है, ये कांग्रेस को भी था, कांग्रेस भी चली गई, यहाँ भी घमंड आया तो ये भी जा सकती है। जनता किसी की नहीं होती है, जनता के लिए अगर जो अच्छा काम करेगा उसी की होगी। देख जैसे कांग्रेस की सरकार 10 सालों चलती आई, कोई हटा नहीं सकता था उसको, लेकिन वो हटी ना, उसके कर्मों से हटी, उसके जो पिछले काम उससे हटी, नहीं दिखा जनता को सब। अब जैसे इनके काम है, जनता परेशान नहीं है? आप खुद बताइए, जनता परेशान है ना, और जिसके पास पैसा है वो मोदी का समर्थन कर रहा है, जिसको पैसा है वो अच्छा कमा खा रहा है, वो समर्थन कर रहा है। मेन बात होती है देश के नीचे निचले हिस्सों की, लेबर क्लास की, जब वो नहीं खुश हैं तो सरकार, अमीर लोग तो खुश रहेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन जब छोटे गरीब लेबर कास्ट लोग जब खुश नहीं रहेंगे तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? छोटे से बड़ा बनता है ऐसा, एकदम बड़े से बड़ा आदमी तो बड़ा से बड़ा बनता ही जा रहा है, छोटे का और छोटा होता जा रहा है, ये दिक्कत है। अच्छा, मोदी सरकार के या कहें या और योगी सरकार में अगर कंपेयर किया जाए, राज्य में आप योगी सरकार के काम से खुश हैं? काम तो मुझे ऐसा देखा जाए तो कुछ दिखा नहीं है ना, कहने को तो बहुत आए, बहुत कुछ किया, लेकिन जितने भी काम दिखे हैं
धरातल पे वो औरों सरकार के दिखे हैं लेकिन दिखा नहीं काम। नाम चेंज हुआ है बहुत सारे हम कह सकते हैं लेकिन काम नहीं दिखा मेरे ख्याल से। नरेंद्र मोदी के बाद कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या ऐसा आपको लगता है? धर्म की राजनीति चलती रहेगी तो जरूर बनेंगे। अगर एजुकेशन पे बात होगी, पॉलिटिक्स की बात होगी तो वहाँ पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जो देश के बारे में आगे सोच सके, जो उस पोस्ट के काबिल हो। धर्म में तो वो नंबर वन है, वो तो जीते ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो धर्म की राजनीति जो करता है वो सिर्फ धर्म पे ही चलता है। तो अगर धर्म को आगे बढ़ाना है तो योगी जी को लाना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो किसी पढ़े लिखे को लाना है। रोजगार पे हमें रोटी रोजगार से मतलब है, हमें क्या 370 से क्या मतलब है। रोजगार पे हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमें सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, युवाओं को नौकरी मिले। आप क्या कहेंगे मोदी सरकार पे लेके 2024 के चुनाव उसे लेकर क्या सोचते हैं, कौन आएगा सत्ता में 2024 में? मैं तो बीजेपी को वोट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए रोज़गार और वो बीजेपी सरकार से मिलने वाला नहीं। 24 साल का हो चुका हूँ और पिछले कई सालों से यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, यूपीपी यूपीएसआई जैसी जो जो भी रहा है, और आई भी है यूपीएसआई तो वो बहुत ऐसी चीज़ों से घिरी हुई थी जैसे कि मतलब बोलते हैं ना उसको कि विवादों से घिरा हुआ, और मतलब ऐसे ऐसे उसमें चीज़ें हुई जिसकी वजह से यूपीएसआई बहुत बहुत ही बेकार रहा उसका जो कुछ भी रहा। मुख्यमंत्री तो लगातार पिछले काफ़ी समय से जो है जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूपी में सिर्फ 9000 वैकेंसी से सब कुछ हो जाएगा? 9000 वैकेंसी से कुछ नहीं होने वाला है ना। जब तक यूपीपी की ढेर सारी वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, जब तक यूपी में अच्छी सुविधाएँ नहीं, मैं वैकेंसी की बात छोड़ दिया, आप जहाँ पर बैठे हैं राजधानी लखनऊ में आप बताइए योगी जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है लखनऊ में? यानी आप जहाँ पर बैठे हैं ये 2008 की बात है, मायावती जी ने बनवाया है, ठीक है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ भी मायावती जी की ही देन है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर उन्होंने बनवाया है। अगर 2000 इनकी सरकार जो भी आई 2014-15 में, तो आप बताएं इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो मैं इनको वोट दूँ? 2017 हाँ, ऐसा कौन सा कार्य लखनऊ में किया है इन्होंने जो मैं इनको वोट दूँ? मैं किसी पार्टी या किसी से नहीं हूँ। तो किसको वोट देंगे फिर? मैं मेरे हिसाब से जो सही होगा मैं उसे वोट दूंगा। प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखते हैं 2024 में? तो मैं देखना चाहूँगा कि राहुल गांधी आए, जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी से होता, ठीक है, या फिर मैं योगी जी के साथ होता तो कोई अपने पुत्र को अंधा नहीं बोलेगा, ठीक है, ठीक उसी तरीके से योगी जी को कोई ये नहीं कहे काम गलत कर रहे हैं, उसी तरीके से को कौन चाहेगा कि उनकी सरकार आए? मैं चाहूँगा, मैं सपोर्ट करता हूँ राहुल गांधी को और मैं आगे भी करता रहूँगा। मैं 2019 में वोट देने के लायक बना, ठीक है, मैं 2019 से वोट कर रहा हूँ और कांग्रेस को ही वोट दे रहा हूँ। जीतने ना जीतने की बात अलग की है पर मैं वोट कांग्रेस को ही दूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी की इमेज बदली है, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो क्या लगता है कि ये अच्छा है और आने वाले समय में जो है बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? सरकार तो बनना ना बनना वो तो जनता के हाथ में, पर बदलाव बहुत बड़ा होगा। जैसे हर बार मोदी योगी पहले ही हाथ हिला देते हैं कि 300 सीटें प्लस आएंगी, इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यूपी में क्या लगता है 80 में से कितनी सीटें जो है जीतेगी? यूपी में से लगभग मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आंकड़ा दूंगा तो इस बार सरकार बनना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल रहेगी हाँ, बीजेपी के लिए, बीजेपी की। वहीं जो है इंडिया गठबंधन जो है विपक्ष का, ये हावी रहेगा कहीं ना कहीं, आपको लगता है? आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 24 में हमें ये लगता है कि इस बार इंडिया का जो गठबंधन है वो सक्सेस होने वाला है, मतलब इंडिया का गठबंधन जो है वो सत्ता में आएगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो हमें लगता है कि चाहे राहुल गांधी भी हो सकते हैं या खड़गे जी, एक अच्छे वक्ता हैं और सीनियर, ये बड़े एक्सपीरियंस हैं इनके पास, एक अवसर देना चाहिए एक अवसर को राहुल गांधी जी को। नहीं जैसे नहीं, राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या बनेंगे वो, ठीक है,
अखिलेश यादव यानी सपा के समर्थक अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया मान लीजिए जो गठबंधन है वो बहुमत में आ जाए, लेकिन ये बाद में ऐसा कुछ हो कि प्रधानमंत्री पद को लेके कि दोनों में खटपट हो जाए दलों के बीच में और फिर वही हो कि वो एक राजनीतिक आपसी मतभेद हो सकता है? मतलब आप प्रधानमंत्री के पद पे राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने किया है और कर भी रहा, आपसी जुड़ाव है उनका भारत में, हर एक पीपल के पीछे उनका आपसी जुड़ाव है, जो जनता भी उनको एक प्रकार से एक बार तो अवसर दे, जनता को देना चाहिए एक अवसर राहुल गांधी को, क्योंकि इनकी सरकार में क्या हुआ, मोदी सरकार में ये हुआ, कुछ बुराइयां और कुछ अच्छाइयां हर सरकार में होती हैं। अगर ग्रामीण स्तर पर ये 5 किलो का ये जो अपना राशन है अगर ये देना बंद कर दें तो इनकी सरकार वहीं पर ध्वस्त हो सकती है। नहीं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो उन्हें सबसे पहले करना चाहिए? रोजगार। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हुआ, अभी तक उन्होंने कहा था यूपी से लेकर ऑल इंडिया स्टेट की अगर आप वैकेंसी की बात करें तो भी उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ भी प्रॉपर हुआ नहीं है। 95 से 34 UPSI की भर्ती, हम लोग फाइनल मेरिट से आउट हुए, फाइनल मेरिट, यहाँ पे धरने में बैठे थे, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। हर बार इस तरह इस बार जो है कांग्रेस का विपक्ष, अगर भले जीते ना जीते वो अलग की बात है, लेकिन उसका जो विपक्ष होगा वो इस बार मजबूत। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अजय राय बन गए हैं, तो लगता है कि कुछ बदलाव होगा कांग्रेस, क्योंकि बहुत कमजोर है यूपी की अगर बात की जाए, और मायावती ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करेगी, सपा भी जाना नहीं चाहती है जहाँ तक, ठीक है, तो अकेले कांग्रेस क्या कर पाएगी? फिलहाल तो देखा जाए वो अपने गढ़ से ही पिछली बार मात खा गई थी, लेकिन इस बार तो शायद लग रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी दिन प्रतिदिन आए दिन चर्चा होती है, लेकिन इस बार हो सकता है अच्छा होगा, हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी अमेठी से मतलब राहुल गांधी की वापसी हो सकती है? हो सकती है जी, बिल्कुल करेंगे। स्मृति ईरानी से क्या खुश नहीं है वहाँ के लोग? नहीं, खुद बिल्कुल खुश नहीं है। अभी पिछले ही दिनों कुछ एक सोशल मीडिया पे ही वीडियो वायरल हुआ जिससे उनको रोका गया जाने से अमेठी, उनकी वहाँ की जनता खुद उनको रोक ली रास्ते में, उसके लिए उनको फोर्स बुलानी पड़ी तब कहीं जाके निकल पाए। हाँ, वापसी करेंगे 99% करेंगे, और हमारी कामनाएं भी उनके साथ हैं और हमारा साथ भी उनके साथ रहेगा, युवाओं का साथ, पढ़े लिखे लोगों का साथ। बाकी तो आप लोग सब लोग जानते हैं किस कौन किसके साथ में है, इसका मतलब विपक्ष में और पक्ष में कोई मतलब खुला वो मनमुटाव नहीं किया जा सकता। इस बार सरकार पढ़े लिखों की बनेगी, हो सकता है कि लोकसभा में कोई भी पढ़ा लिखा कितना है ये तो सभी को पता है, सत्ता पक्ष में कौन कितना पढ़ा है ना, अगर कोई पढ़ने लिखने वाला लोकसभा में पहुंचेगा तो दिक्कत तो होगी। आप ये बताइए कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में कितने लोग पढ़े लिखे हों और कैबिनेट में कितने पढ़े लिखे लोग? ऐसा पढ़ा होना चाहिए कि हर जगह का नाम न बदल कर जिस जगह का वो प्रधानमंत्री या जिस जगह का मुख्यमंत्री है वहाँ के लिए कुछ करे, वहाँ के लिए कुछ करे। एक चीज आप बताओ, जहाँ पर माता आपकी मूल मतलब निवास कर करती हो, कल को कोई किरायेदार आए उस घर का नाम बदल दे, तो आप कल को फिर आप करोगे क्या? जब आप दोबारा आप जाओगे वहाँ पर, भैया बोलोगे कि ये सुधा निवास है जो भी है फलाना है, उसके बदले भी नाम के अलावा आप एक ऐसा कार्य बताइए लखनऊ में जो योगी जी ने किया है, एक मुद्दा आप ये बताइए। हाँ, किया क्या है भाई? ऐसा कोई काम बता दीजिए जो योगी जी ने किया है। हम देखो, हम बता रहे हैं, आज तक किसी को भी किसी सरकार ने किसी को दिया था कि भैया एक अमीर आदमी एक मिडिल क्लास आदमी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस वो खरीद वो लेता था? क्या चाहिए आपको? स्वास्थ्य की सुविधा आपको चाहिए, आपको चाहिए घर, आज भी था क्या दिया? अरे भैया फिर वही आप उस आदमी की बात आप कर रहे हो जिसको प्रधानमंत्री लोगों ने चुना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू 15 में से 12 लोगों ने उनका नाम नहीं चुना, 3 आदमियों ने किसी और का नाम दिया, उनको लग गया गुस्सा, वो बोले कि हम भैया कांग्रेस को आरम देंगे अलग, हमारी बात हम नहीं। आपकी सोच गलत है भाई, जो आप नियत देखो, इंटेंशन देखो, राहुल गांधी को नेता है, आज हाइकिंग का कर रहे हैं, आज वो देश का कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जब 13 बार हार चुके हैं, 3-4 लोकसभा चुनाव हारे हैं, यूपी के इतने चुनाव हो चुके हैं, दर्जनों
सोच लीजिए अपनी अपनी सीट हार गए हैं। मुद्दा ये नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना बताइए लखनऊ में योगी जी ने किया क्या है, इंटेंशन होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं, आप सिर्फ नहीं है, मुद्दा ये नहीं, ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो लगी, आप सिर्फ आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपकी कौन लगा इसका, इसका ठीक है, इसका सिर्फ उद्घाटन किया है, लेकिन कौन बोला? अरे यार जमीन, अरे भाई हम वहाँ जाते हैं, हर रोज जाते हैं, जमीन का अधिग्रहण हो गया है, बैरिकेडिंग स्टार्ट हो गई है भाई, एक दिन में नहीं कुछ होता है तुम्हारे कांग्रेस। देखो हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सब अच्छा काम किया है, 2008 से मैं गिना रहा हूँ कि सरकार ने क्या क्या किया है। जहाँ अच्छा हम तो जहाँ पे आप कहे कल जो चंद्रयान मिशन हुआ, जहाँ 2014 तक उसका जो मतलब की वो था बजट था 4,558 करोड़, ठीक है, इन्होंने जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ आप टहलने आते हैं, ये मायावती सरकार। अरे भाई आप पहले मेरी एक चीज हमको एक चीज बताओ, सरकार एक चीज बताओ, जहाँ पर सरकार का काम क्या होता है, काम करना होता है ना, वहाँ सरकार कोई एनजीओ के लिए तो आती नहीं है कि हम लोग नाम, सरकार का काम ही होता है काम करना। मायावती ने क्या एजुकेशन दिया, कितने स्कूल खोले, कितने आईएम खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले भाई, नियत देखो, नियत आदमी की नहीं, एसजीपीजीए जिले का सबसे, जहाँ आप भी बीमार होते हैं वहाँ जाएंगे, आखिरी उम्मीद वहीं पर है आपकी, जो कि कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस की देन है, ऐसा इतना बड़ा अस्पताल आप पूरे जिले में हमको एक बता दीजिए, बताइए ना, मुझे इतना बताइए कि योगी सरकार ने क्या किया है, फिर वही बात, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं आपको, देखो क्या 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 किया, हर घर पानी मिला लोगों को, गांव में पानी नहीं था, पानी नहीं, ठीक है, शौचालय दिया उसने, ठीक है, डस्टबिन है, साफ सफाई का एक लोगों की समझ थी, जीडीपी भारत की बड़ी, जो लोग सोच नहीं सकते थे उसने मिशन लिया है, चलो चार साल में नहीं होगा, छह साल में होगा, $1 trillion की इकोनॉमी लेके चल रहा है, बेरोजगारी के लिए, अब सुनो ठीक है, उसके लिए भी सुनो, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से नोएडा में था, अब उसने वो लखनऊ में भी लेके आ रहा है, ठीक है भैया, ये सब बातें छोड़ दो, कांग्रेस ने फिर कब तक क्या किया, सोच स्टार्ट होती है लखनऊ को लेकर के, उसने स्टेट कैपिटल रीजन बना दिया, अखिलेश यादव सबसे भ्रष्ट आदमी था, अगर वो ढंग का आदमी होता छठे साल भी आ जाता, पांचवे साल में उसको लात मार के 44 सीट पे निकाल दे, यहाँ पर बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि लोगों पास स्किल नहीं है, ठीक है, लोगों ने डिग्री लेकर के बैठे हैं, ठीक है, हम लोग यूपी में कितने यूपी पुलिस की कितनी बार वैकेंसी आई है 2019 से, अरे यार सरकारी वैकेंसी भाई, नहीं आता है भाई, स्किल होगा तब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आप तो कहने का मतलब आपके पास स्किल नहीं है भाई, सरकारी नौकरी के सारे बैठोगे कभी कुछ नहीं करोगे लाइफ में, सुनो सुनो, यूपी दूसरे नंबर पे है रेप के मामले, आप रहते कहां, सुनो सुनो, रहते आप की तो पहले देखिए आप, अभी अब आप शांत हो जाइए, अभी दो दिन पहले पशु मंत्री जो हमारे पशु मंत्री है दिव्यांगों पे अपना फॉर्च्यूनर चढ़ा दिए, वो बिल्कुल वो क्या था बताइए ना, वो गलत काम किया, वो बिल्कुल गलत काम किया, गलत किया ना, केस भी हो गया, और कोई सरकार होती केस नहीं, नहीं और कोई सरकार होती केस भी ना होता, केस भी हो गया, रजिस्टर भी हो गया, एफआईआर भी हो गया, क्योंकि सरकार जो लाना है बचानी जो सरकार, अरे यार क्या बताए, बेवकूफ वाली बात है भाई, देखो नियत, देखो नियत वाली, मोदी की माँ वही पे मर गई, उसका भाई परचून की दुकान चलाता है, कुछ नहीं, योगी की बहन ढबरी, अरे तुम ही तो तुम ही से सब कुछ जानते हो, बताओ, अच्छा बताओ, आप जानते हैं, बताओ कि कितने का आईटीआर है उसके भाई का, बताओ सच्चाई का आपको पता है, आईटीआर बताओ उसका, आप सच्चाई उसके भाई का आईटीआर बताओ, जो पहनते हैं मोदी जी उसका आपको पता है कितना महंगा, ठीक है, अरे पहन लिया भाई, पीएम है उसको स्पॉन्सर हो गया, उसको पहन लिया, राहुल गांधी अभी 40 बार लेंगे जन्म भाई, तब फिर आप कितने भी आप वो कर लीजिए, लेकिन आने तो बीजेपी कांग्रेस इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उसने कोई व्यक्ति नहीं निकालने दिया है। अच्छी और है, कल ही मणिशंकर अय्यर ने सोच लीजिए अपने सबसे बड़े प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए कहा कि ये सबसे पहला देश का बीजेपी का प्रधानमंत्री था, अब बताओ ऐसे लोगों की पार्टी जो अपने ही नेता को, अपने ही सबसे बड़े नेता को नीचा करके दिखा रहे हैं सिर्फ एक एक घर के लिए, बताइए तो क्या क्या लग रहा है, लालू यादव 4,500 करोड़ का उस टाइम का 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ का घोटाला, कल नीतीश बाबू को ये तक नहीं पता था, जानबूझ करके कि उसको मतलब कि थोड़ा सा चलो नीचे करते, हमको नहीं पता भैया चंद्रयान, और वो क्या कह रहे हैं आपके ये तेजस्वी यादव कि भैया हो गया, चलो हो गया,
यही चीज कह रहे हैं, यही है मानसिकता। ठीक है, वो किया था इसरो ने, मोदी ने सिर्फ फंडिंग किया, पीछे खड़ा रहा, चलो एक मिशन फेल हुआ, दूसरा करो, तीसरा उसने अनाउंस कर दिया, चौथा भी उसने अनाउंस कर दिया, 2030 तक हम लोग ऊपर भी जाएंगे। और एक चीज, एक बात, ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इससे पहले जो इसरो के साइंटिस्ट हैं कांग्रेस ने दबा दिया था उनको। तो भैया ये सब पुराने गड्ढे हैं। आर्मी को किसने मतलब की मजबूत किया, कौन किसने क्या किया, मेड इन इंडिया के लिए किसने क्या चीज किया, आज कम से कम उसने ये तो कह दिया कि भैया तेजसी मिलेगा, इसी को उन्नत करो। ये ना टिकट कितना महंगा हो गया 2019 के बाद, उसमें क्या कहेंगे आप? तुम महंगाई में पड़े रहोगे क्या? अफोर्डेबिलिटी बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ेंगे? मोदी ने कोई फ्री स्कीम ने नहीं दिया आज तक, क्यों नहीं दिया? स्किल दिया है लोगों को भैया, तुम अभी आप बोले ना कि नौकरी के लिए स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यार तुम लोग यही बात करोगे नहीं हो पाएगा, जीवन में नहीं हो पाएगा। आप क्या कह रहे हैं, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं? हमने देखो मोदी को वोट दिया, इस बार भी देंगे और अगली बार भी देंगे, मतलब बेटी से जो अपनी सीट हार जाए बाप दादा की, क्या उसकी औकात है भाई? बहुत बढ़िया।